कोरोना काल के दौरान लॉकडाउन होने के बाद दिल्ली में बहुत बड़ी संख्या में लोगों को बेरोजगारी का सामना करना पड़ा। बहुत सारे वर्कर जो दिल्ली से अपने अपने गांव चले गए, उसकी वजह से कंपनियों को, व्यापार को वर्कर्स की क्राइसिस शुरू हुई। इसको देखते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री माननीय अरविंद केजरीवाल जी के द्वारा एम्प्लॉयमेंट विभाग की तरफ से जॉब पोर्टल लॉन्च किया गया, जिससे दिल्ली के लोगों को रोजगार मिल सके, कारोबार बढ़ सके, उत्पादन बढ़ सके। पिछले दिनों जो जॉब पोर्टल लॉन्च हुआ jobs.delhi.gov.in, उसने दिल्ली ने जैसे कोरोना को कम करने के लिए एक अनोखा मॉडल पेश किया है, उसी तरह से इस संकट के समय में इकोनॉमी को पटरी पर लाने के लिए, लोगों को रोजगार देने के लिए ये जॉब पोर्टल रोजगार बाजार ने एक नया मॉडल खड़ा किया है। अभी तक दिल्ली के अंदर 22 लाख जॉब्स इस जॉब पोर्टल पर पोस्ट की गई। जो 22 लाख जॉब पोर्टल पे जॉब्स पोस्ट की गई, उसका वेरिफिकेशन करने के लिए हमने टास्क फोर्स बनाया कि कई लोग डबल पोस्ट कर रहे थे, फर्जी पोस्ट कर रहे थे। इन 22 लाख जॉब्स में से 3.5 लाख जॉब्स को कैंसिल किया गया है, जो या तो डबलिंग थी या फिर उनके ओनर्स से जब बात किया तो कोई क्रेडिबल क्रेडेंशियल वो जवाब नहीं दे पाए। इसके अलावा 10 लाख वैकेंसी जो है उन एम्प्लॉयर्स ने क्लोज किया है, यानी कि या तो उनको वर्कर मिल गए या फिर उनसे बातचीत चल रही है। आज की तारीख में 9 लाख वैकेंसी अभी भी ओपन है। 9 लाख वैकेंसी जॉब पोर्टल पर ऐसी है जहां पर अभी वर्कर्स की, कर्मचारियों की, एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है। और इसके अगेंस्ट में जो 9 लाख आज वैकेंसी है आज की डेट में, उसके अगेंस्ट 8,64,000 जॉब सीकर्स का रजिस्ट्रेशन है। तो अगर हम देखें कि आज की डेट में पिछले दिनों जिन लोगों ने बातचीत की या जिन लोगों का टाइप हो गया, अगर 10 लाख वैकेंसी जो है 22 लाख में से क्लोज हुई है, लेकिन आज भी जो वैकेंसी है 9 लाख और जॉब सीकर की संख्या उससे कम है। अभी जो वैकेंसी जो आ रही हैं, इसमें लगभग 6,271 कंपनियां अपनी अलग अलग तरह की वैकेंसी अभी तक पोस्ट कर चुकी हैं, जो उसमें से मुख्य तौर पर जो जिन्होंने बड़ी संख्या में ऑफर दिया है, उसमें आदित्य बिरला ग्रुप है, एमोजेन है, फ्लिपकार्ट है, HDFC बैंक है, लाइफ है, कोटक महिंद्रा, रिलायंस, संग्रीला होटल, आसाम टी, G4S सिक्योरिटी, अम्बा एम्ब्रॉयडरी, इस तरह की कंपनियां हैं जो उनकी संख्या 6,271 है, जिन्होंने ये अलग अलग अभी तक 22 लाख अपने जॉब पोस्ट किए थे। इनमें जो जिस तरह की कैटेगरी के लिए ज़्यादा जॉब सीकर डिमांड कर रहे हैं, उनमें जो कैटेगरी है जिनको जिस तरह की नौकरी लोग खोज रहे हैं, उसमें बैक ऑफिस की नौकरी, डाटा एंट्री की नौकरी, टीचिंग की, कस्टमर सपोर्ट की, टेलीकॉलर की, सेल्स, मार्केटिंग, बिजनेस की, अकाउंटेंट की, वेयर हाउसिंग की, लाइटिंग की, रिसेप्शनिस्ट की, HR की, एडमिन की, IT, हार्डवेयर, नेटवर्किंग की और डिलीवरी की, ये 10 कैटेगरी हैं जो मोस्ट डिमांड में हैं, जिसको लोग ढूंढ रहे हैं। अधिकतम जॉब सीकर इसको, इस तरह की अपनी जॉब को डिमांड कर रहे हैं। तो अभी तक कुल मिला करके जिस तरह से अगर हम कहें कि 22 लाख लोगों में से 3.5 लाख की हमने कैंसिल की, उसके अलावा लगभग 9 लाख वैकेंसी आज खाली है और 10 लाख लोगों ने उसको क्लोज कर लिया। तो एग्जैक्ट अगर हमारे पास एक और सिस्टम है कि फर्स्ट टाइम कनेक्ट हमारे ऐप से लोग होते हैं, अगर उसके आंकड़े को देखें तो लगभग 12,57,000 लोगों ने ऐप के थ्रू फर्स्ट हैंड उनसे इंटरेक्शन हुआ है। ऐप पे जो एक ऑप्शन है कि आप एक बार अगर क्लिक करें तो आपको एम्प्लॉयर से और उनसे कनेक्ट करा देता है। आफ्टर दैट फिर उनकी पर्सनल जो है मिलने का या बायोडाटा का सिस्टम अलग होता है। तो अभी फर्स्ट हैंड अगर हम देखें तो लगभग 10 लाख लोगों ने अपनी जो वैकेंसी थी उनकी फुलफिल हुई है, आज उनसे बातचीत चल रही है। आज की डेट में 9 लाख वैकेंसी खाली है, जिसके अगेंस्ट में 8,64,000 लोगों ने अप्लीकेशन दिया है। आज मैं आपके माध्यम से जो अपील करना चाहता हूँ दिल्ली के सभी युवाओं से, कि जिनको भी अगर रोजगार चाहिए वो तुरंत दिल्ली सरकार की जो वेबसाइट है jobs.delhi.gov.in, इस पर क्लिक करके अपना बायोडाटा और अपना एप्लीकेशन डालें, जहां से उनको नौकरी मिल सकती है। अभी 9 लाख से ज़्यादा वैकेंसीज हैं इस पर, और ख़ास तौर से जो पढ़े लिखे युवा हैं उनसे मैं अपील करना चाहता हूं कि जो आपके अगर अड़ोस पड़ोस में कोई ऐसा है
जिसको जॉब की जरूरत है। अगर वो वेबसाइट नहीं चला सकता, आपका स्मार्टफोन है तो स्मार्टफोन के माध्यम से ही आप उनका इस पर मदद कर सकते हैं, उनको सहयोग कर सकते हैं। तीसरी चीज जो मैं कहना चाहता हूँ कि यह निःशुल्क है, इसमें ना तो एम्प्लॉयर से कोई पैसा लिया जाता है और ना तो जॉब सीकर से, कोई रोजगार चाहता है उससे कोई पैसा लिया जाता है। अगर कोई बीच में अगर आपसे इसके लिए पैसे मांग रहा है तो आप प्लीज़ किसी को पैसे ना दें। ये दिल्ली सरकार की तरफ से, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की तरफ से यह निःशुल्क व्यवस्था की गई है, जिससे कि कोरोना संकट के दौरान जिन लोग परेशानी में आए हैं उन लोगों को मदद की जा सके। तो मैं आपके माध्यम से यही अपील करना चाहता हूँ कि वैकेंसी ज़्यादा है, आप लोग इस पर फॉर्म भरें। अभी हम लोग इसको पोस्टर अभियान भी अगले हफ्ते से शुरू कर रहे हैं, जिससे गली मोहल्ले में भी इसका जानकारी दी जा सके और जो लोग अभी भी इस पर नहीं आ पाए हैं वो आ सकें और उन लोगों को इसको फ़ायदा मिल सके।